नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि आज ये आपका इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारत का नामकरण। ठीक है, भारत के नामकरण के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे तो इसका मतलब ये, अगर आज आप पहली क्लास में हैं, मेरी पहली क्लास अगर आप देख रहे हो, तो मेरी एक क्लासें और हो चुकी हैं, आप उसको भी देखें। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, लगातार सीक्वेंस के रूप में ये क्लासें आपकी चलेंगी। क्लास आज क्लास 2 है आज। ठीक है, मेरा नाम, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, यूपी क्लासेस प्रयागराज चैनल के माध्यम से, मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाऊंगा। और मेरा उद्देश्य रहता है कि थ्योरी के साथ पढ़ाना। देखिए, जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे किसी चीज की, तो आप उसकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य रहता है इस प्रकार से। और ज्योग्राफी में देखिए, मैं आपको वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों पढ़ाऊंगा। इंडिया चल रहा है, इसके जस्ट बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लाऊंगा। पॉलिटिक्स भी आपकी इसी चैनल के माध्यम से चलेगी, सब कुछ थ्योरी के माध्यम से चलेगा, कोई भी रटने वाला चीज नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स भी मैं कवर करूंगा, हिस्ट्री के तीनों पार्ट कवर करूंगा, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, और साइंस के भी तीनों पार्ट आएंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और स्टैटिक जीके भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात हैं जो आपको जानने आवश्यक हैं। ठीक है, वो ये है कि दिक्कतें ये होती हैं बहुत से लोगों को कि नोट्स कैसे प्रोवाइड करें, नोट्स कैसे बनाना है हमको। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नोट्स आपको मेरे साथ ही साथ साथ ही साथ बनाना है, राइट? यानी मैं जिस प्रकार से आपको कोई कंटेंट, कोई पीडीएफ वगैरह नहीं दूंगा, आप मेरे साथ पढ़िए। इसलिए ये जो पेन चल रही है, ये आपके निगाहों के सामने है, और जो भी मैं करूंगा आपके निगाहों के सामने ही करूंगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको नोट्स हमारे साथ ही बनाना है। तो चलिए, हम ज्यादा टाइम न लेते हुए फिलहाल आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थीम है आज का, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है भारत का नामकरण। ठीक है, अब देखिए, ये भारत आपको दिख रहा है, भारत, अब भारत तो आपको दिख रहा है, तो किस प्रकार से भाई हम भारत को अपने, हम ये देखिए, ये है भारत, ये हमारा भारत है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। अलग अलग राज्य में, कोई किसी राज्य से होगा, किसी अन्य राज्यों से होगा, किसी, कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई असम से होगा, तो कहीं, क्योंकि हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट एंड 8 यूटी। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो मैं आज बात करने वाला हूं भारत का नामकरण। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत का नामकरण। नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में भारत का नामकरण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, भली भांति आपको मालूम होगा, आप और हम सभी लोग इस भारत को भारत भी कहते हैं। ठीक है, और इंडिया भी कहते हैं,
हिंदुस्तान भी कहते हैं हम। उसके अलावा हमारे इस भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप। तो भाई एक्चुअल में जो बातें हैं ये सारे नाम निकल कर आए कहाँ से? भाई कोई भी चीज होता है तो प्रत्येक चीज की अपनी एक वो होती है कि हाँ भाई ये इस जगह से निकल के आई होगी, अर्थात इसका नाम फिर किसी ने रखा होगा। भाई सवाल तो पैदा होता है यहाँ से कि क्यों हमारे भारत के इतने नाम पड़ गए, हिंदुस्तान कैसे जाना गया? सभी के रीजन है, उस रीजन को हम आज आपके सामने पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा अपने भारत की, क्यों हमारा भारत इतना प्राचीन है। तो मैं बताऊंगा आपको कि भारत की सभ्यता व संस्कृति, ध्यान देना पॉइंट को, ध्यान देना, हमारे भारत की सभ्यता व संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे भारत की सभ्यता एवं संस्कृति मानी जाती है। इतना पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे नोट कीजिए। भारत की सभ्यता वा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। इस पॉइंट को आप इस प्रकार से मैप क्रिएट करिएगा और बनाइएगा, यहां से इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा कि भारत की सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है या माना जाता है। भारत ठीक है, तो ये हो गया, हमने आपको बताया ये हमारा भारत है और हमारे भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानी जाती है। भाई अब आप बता, आप प्रश्न खड़ा करिए हमारे सामने, प्रश्न पूछिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? अभी तो मैं आपको बिल्कुल छोटे से पॉइंट में बताऊंगा, जब मैं आपको हिस्ट्री में लेके आऊंगा, एंशियंट हिस्ट्री में, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। तो बस बेस ये समझिए कि सिंधु नदी कहीं यहां से प्रवेश करती है, यानी तिब्बत से निकलते हुए भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, यूं यहाँ पे अपना जल गिराती है, यानी इसका उद्गम स्थान यहां पर है। तो यहाँ पे आप पॉइंट नाम नाम कीजिए, सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा अभी सारे के सारे नाम सिंधु नदी के नाम पर ही मैं निकालने का पूरा प्रयास करूंगा और निकलेगा भी, ध्यान देना। मैंने क्या बताया कि सिंधु नदी जो है ये चाइना तिब्बत से निकलती है और ये भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख से प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और ये अपना वाटर कहाँ गिरा रही है? जल, क्योंकि भाई यहाँ पे आप तो चाइना देख लिए, यहाँ पे पूरा चाइना है, ठीक है? और ये हो गया यहाँ पे अरब सागर, ठीक है, अरब सागर हो गया। तो सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, राइट? इतनी बात के अब आप कहेंगे कि आप ये क्यों बता रहे हैं भाई,
सिंधु नदी का यहाँ पे क्या चक्कर है, क्या रोल है इसका? तो रोल ये है कि इसी सिंधु नदी के नाम पर जो पहले के लोग थे उन्होंने इसी के आधार पर हमारे भारत को भारत कहा है, इंडिया कहा है, हिंदुस्तान कहा है, जम्बू द्वीप कहा है सबसे पहले। उसके अलावा हमारे भारत को आर्यावर्त भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट, आर्यावर्त कहिए या आप कहिए ब्रह्मावर्त, ठीक है, इतने नाम है। सबसे पहला नाम आप यहां मेंशन कीजिए, आर्यावर्त। आर्यावर्त किसका नाम है? हमारे भारत का ही नाम था। तो ये आर्यावर्त नाम पड़ा कैसे भाई? इंपॉर्टेंट है भाई कि आर्यावर्त, या इसी को कह सकते हैं भारतवर्ष। ठीक है, आर्य, ठीक है, इतनी बात के लिए थोड़ा सा लैग कर गया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो आर्यावर्त या भारत, तो सबसे पहले हमने बताया आप पॉइंट बनाइए आर्यावर्त। तो ध्यान देना ये हमारा का पूरा क्या है, उत्तर भारत। सुनो मेरी बात, पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। तो मैं कह सकता हूं उत्तर भारत में बसने वाले आर्य। अब आर्यों का आगमन कैसे हुआ था, बस अभी आप इतना ध्यान दीजिए, ये जो उत्तर भारत दिख रहा है कभी, यानी आज से लगभग कई साल पहले, कई वर्षों पहले उत्तर भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो आर्यों का जब आगमन हुआ था तो ये आर्य उत्तर भारत में रहते, क्योंकि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो वैसे ही आर्यों का आगमन हुआ था इस उत्तर भारत क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर भारत का मतलब ये इन क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ, तो यहां पर आर्य लोग रहते थे। ठीक है, इतना बात जानिए। तो इन्हीं आर्यों में एक शक्तिशाली राजा थे, पॉइंट को ध्यान देना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक एक चीज मैं लिख के चलूंगा, इससे आपको कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में बसने वाले आर्य, बसने वाले आ रहे थे। अब उत्तर भारत में जो बसने वाले आ रहे थे, मैं यहां पे कह सकता हूं उन्हीं आर्यों के एक, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे, ठीक है, एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत। ठीक है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम मैं कह सकता हूं भरत था। देखना, मैं यहां पर पहले इसको हाइलाइटर लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जिनका नाम था भरत। अब क्या हुआ, इन्हीं भरत के नाम पर, ध्यान देना, इन्हीं भारत के नाम पर हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भाई बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, अगर मैं भी चाहता तो भाई मैं क्यों आपको इतने बेस में लेके चल रहा हूं। एक्चुअल में अभी मैं चाहता तो बता देता कि हमारे भारत के ये नाम है, आर्यावर्त, आर्यावर्त में हमारे भारत को भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, हिंदुस्तान को, सिंधु नदी को ऐसे ऐसे कहा गया है, सब कुछ मैं बता देता। तो क्यों मैंने इतना बिल्कुल डिटेल्स में मैं आपको लेके चल रहा हूं, इस वजह से इसे आपके माइंड में क्लिक करे एक एक पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे दूसरा नाम नोट कीजिए, दूसरा नाम यहां पर और भी हमारे भारत का नाम है, तो मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान, नोट कीजिए पॉइंट। हमारे भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता था, तो कैसे हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब समझना मेरी बातों को, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, समझिए पहले मेरे लेक्चर्स को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैदिक आर्यों यानी वैदिक जो सभ्यता थी, तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी सभ्यता माना गया है, अर्थात सिंधु नदी के आसपास में क्या रहते थे, आर्य लोग रहते थे। आर्यों का निवास स्थान किसे माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है, यानी सिंधु नदी घाटी माना गया है। सुनो मेरी बात, ठीक है, सिंधु नदी घाटी माना गया है। तो जो आर्य लोग इस सिंधु नदी घाटी के आसपास रहते थे, तो वही आर्य लोग इस सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, और हमारे इस भारत को क्या बोला उन्होंने, हिंदुस्तान बोला। इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या बताया कि वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था इस सिंधु नदी घाटी के आसपास में ही था, ठीक है, और ईरानियों के द्वारा, ध्यान देना, ईरानियों के द्वारा इस सिंधु नदी को क्या बोला गया, हिंदू नदी, और हमारे भारत को ईरानियों ने क्या बोला, हिंदुस्तान। इसका मतलब साफ है कि एक सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिसके आधार पर हमारे भारत के कई नामकरण हुए हैं। तो यहां पे मैं लिखने का प्रयत्न करूंगा, वैदिक आर्यों का निवास स्थान, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी ठीक है, सिंधु नदी घाटी बताया गया। और ध्यान देना, जो ईरानी लोग थे ठीक है, ईरानियों ने क्या कहा, ईरानियों ने इस सिंधु नदी को क्या बोला, हिंदू नदी। इन्होंने कहा कि भाई ये सिंधु नदी नहीं है, हम इसको बोलेंगे हिंदू नदी, और जिस जिस यहां पे हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पास रह रहे हैं उस देश को हम बोलेंगे हिंदुस्तान। हमारे देश को बोला गया हिंदुस्तान। आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड में, मैं इसी में बताऊंगा, मैं पूरा का पूरा करने वाला हूं इरेज। आप सभी लोग एक एक पॉइंट को इस प्रकार से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट डालिए, हमारे भारत को नाम दिया है इंडिया, इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत को इंडिया भी कहा जाता है। तो इंडियन सब कुछ तो आपने बता दिया, आप बताइए इंडिया कैसे कहा गया। तो सिंधु नदी का यहां पर भी खेल है इसमें, तो सिंधु नदी इसलिए मैंने आपको बता दिया। समझिएगा मेरी बात कि ईरानियों के द्वारा तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा गया, और उन्हीं ईरानियों ने हमारे देश को क्या बोला, हिंदुस्तान। इसी प्रकार से इंडिया जो था, इंडिया ये नामकरण इस प्रकार से हुआ, अब वहां पे थे यूरानियों ने, अब यहां पे यूनानी, ठीक है, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला था, इंडस। शब्द पर गौर करिएगा, अब यूनानियों ने इस सिंधु रिवर को क्या बोला, इंडस, ध्यान देना इस बात का, इंडस बोला, और ध्यान देना, और हमारे इस देश को इन्होंने क्या बोला, इंडिया। यदि अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमारे भारत का नाम इंडिया
कैसे हुआ भाई? तो बताओ, तो आपको बताना है कि सिंधु नदी का चक्कर है इसमें, क्योंकि यूनानियों के द्वारा इस सिंधु नदी को, हमारे भारत को सिंधु नदी को इंडस रिवर बोला गया, और यूनानियों ने हमारे इस देश को इंडिया बोला। ठीक है, अब एक नाम और डालिए आप जो कि चर्चित है काफी, क्योंकि इसमें इसमें फैक्ट जानना ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो वो आप सभी लोग नाम यहाँ पे डालिए। हमारे भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, जम्बू द्वीप, तो हमारे भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो ये नाम किसने दिया था, इसके लिए सिंपल सा एक फैक्ट है, आप वो नोट कर लीजिए। तो हमारे भारत को जम्बू द्वीप बुद्धिस्टों के द्वारा, बुद्धिस्ट अर्थात बौद्धों द्वारा, हमारे इस देश को जम्बू द्वीप द्वीप नाम दिया गया। तो यहां तक आज के क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ओवरऑल मैंने आपको बताया था वर्ल्ड का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठे तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि अगर यदि दिशाओं के ज्ञान पर ही आपके एग्जाम में कितने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लैटिट्यूड लाइन आपको सेम कंडीशन पर रखता है, लेकिन बस फर्क करता है कि लोकेशन का आपसे अलग अलग टाइम में पूछ सकता है। तो अब आगामी क्लास जो रहेगी वो मैं इसको यहीं पर बता देना चाहूंगा, जो कल की क्लास होने वाली है। ठीक तो यहाँ पे जानिए टोमेरो क्लास क्या होने वाली है, इससे आप सभी लोगों को, तो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है, इंडियन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका टोमेरो की क्लास होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट आज के लिए फिलहाल मैं यहीं तक रखूंगा सेशन को, और आपसे एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग ही हमारा प्रचार का माध्यम है, तो आप सभी लोग माउथ टू माउथ, क्योंकि अपना चैनल खास उतना बड़ा नहीं है, तो माउथ टू माउथ आप सभी लोग बताइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास अनेकों ऐसे दोस्त होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और कृपया करके आप ये जरूर बताइएगा क्या मेरे कंटेंट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि हाँ इसमें एक्चुअली में दम है। मैं अगर चाहता तो आपको पीडीएफ दे देता, तो पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने लिख लिख कर, देखिए हर एक चीज की अपनी कोई कार्य है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर कोई चीज बना है, कोई चीज भव्य तरीके से अगर बना हुआ है, तो उसके पीछे रीजन छुपा होगा कि एक्चुअल में किसने बनाया है उसको, इसमें क्या क्या सामग्रियां लगी हैं, इस प्रकार से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बस आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे से मैं जीएस की क्लास मैं आपके माइंड में डेवलप करूंगा। भरोसा रखिए अपने भाई के ऊपर, छोटे भाई मानिए, बड़े भाई मानिए, जो भी मानिए, बस आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, समर्थन करिए। मिलते हैं आपको आगामी क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।